दोस्तों आज मैं मैट्रिक्स स्पेस की बुक के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैट्रिक्स स्पेस की जो बुक है वो फॉरेन ऑथर की कम ही मिलेगी आपको, आपको इंडियन ऑथर की ही बुक मिलने वाली है जितने सर्च करें। लेकिन एक बुक है यूटीएक्स में, मैं राइटर का नाम भूल गया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, वो एक फॉरेन राइटर की मैट्रिक्स स्पेस की बुक है। वैसे बहुत सारी बुक है लेकिन मैट्रिक्स स्पेस को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि काफी जो स्टैंडर्ड बुक होती है खास करके फंक्शनल एनालिसिस या टोपोलॉजी के बुक्स में ऑलरेडी उसमें मैट्रिक्स स्पेस की कॉन्सेप्ट रहती है और उतनी आपको जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस में बस मैट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वही अलग है, बाकी हर एक चीज टोपोलॉजी से ही आती है और सिक्वेंस भी जो है वो अलग होता है। बाकी जो जितना ओपन सेट बोलिए, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, सब टोपोलॉजी का ही एक हिस्सा है। तो आप टोपोलॉजी की जो मैट्रिक्स बुक है तो इससे इसमें से आपको मैट्रिक्स स्पेस की जो नॉलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली मैट्रिक्स स्पेस को एक अलग चैप्टर नहीं है, सब सेक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे है और क्रिजिक में भी आपको मैट्रिक्स स्पेस की जो नॉलेज है वो मिल जाएगी। फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स स्पेस के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बुक है जो मैंने सिर्फ प्रिंट आउट करवाया था, वह जेवी कॉन्वे की पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बुक है। ये यूटीएक्स की बुक है, मैंने प्रिंट आउट करवाया था। ये जो बुक है वो काफी अच्छी बुक है, इसमें इस बुक को मैं काफी प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें काफी ज्यादा काउंटर एग्जाम्पल्स, काफी ज्यादा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिखे समझाया गया जो कि काफी बुक्स में नहीं मिलता है, सीधी तौर पर नहीं मिलता है। इसी बुक में आपको ऐसी चीज मिलेगा। तो आप पीडीएफ जो है आप सर्च कीजिएगा कहीं भी किसी वेबसाइट पर, जैसे लिबजिन हो गया या आपका पीडीएफ ड्राइव हो गया, वहां पर सर्च कीजिए कि आप कोर्स ऑन पॉइंट सेट टोपोलॉजी बाय हमारे कौन से जेवी कॉन्वे की। ठीक है, काफी अच्छी बुक है। अब आता हूं मैं, मेरे पास जो मैट्रिक्स स्पेस की जो बुक है वो है पीके जैन की बुक। ठीक है, पीके जैन की बुक देख सकते हैं आप, ये बुक काफी अच्छी बुक है। ठीक है, लेकिन इस बुक में मतलब इस बुक में जो है आपको इस चीज में वही मिलेगा, सॉरी इसमें यही मिलेगा, इसमें जो है इसमें भी यही मिलेगा। इसको पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। इसमें काफी ज्यादा एग्जांपल्स भी है, काफी ज्यादा थ्योरम्स भी है। इसमें बस एक जो टॉपिक है, अब देखिए ये जो टॉपिक है फिक्स पॉइंट थ्योरम के ऊपर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है जो कि काफी ज्यादा बुक में नहीं मिलता है। बाकी कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आप सबको ये जो बुक मैंने बताया था जेवी कॉन्वे की, उस बुक में मिल जाएगी। तो इस बुक को पढ़ने का कोई मेरे से फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर आपके यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर मैट्रिक्स स्पेस बोल के एक मॉड्यूल है तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि उस बुक पर काफी आपको काफी चीजें नहीं मिलने वाली। इंडियन यूनिवर्सिटी में जितने भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में मैट्रिक्स स्पेस की जो सिलेबस है वो इसमें कवर की गई है। तो आप सिलेबस की वाइज पढ़ना चाहते हो तो ये बुक ले सकते हो। इस बुक की प्राइस कितनी है मैं बता देता हूँ। इस बुक को मैंने खरीदा था कॉलेज स्ट्रीट से, कोलकाता की जो कॉलेज स्ट्रीट है वहां से मैंने खरीदा था। मुझे लगा था इसमें शायद इसमें प्राइस नहीं लिखा हुआ है, मुझे 250 के आसपास ये किताब पढ़ी थी। ठीक है, काफी अच्छी बुक है, एक्सप्लेन अच्छी करती है, एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई कमी नहीं है एग्जाम्पल में। बुक आमदर बुक अच्छी है, लेकिन आप अगर एज अ नॉलेज के बारे में बोले तो इस बुक में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस बुक में ज्यादा है, इस बुक में उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही और बुक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल दबा दीजिएगा, और बेल दबाना ना भूलें, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स।